जी मुझे मेरी बेटी की एक्सरे रिपोर्ट चाहिए जो कल करवाई थी। नाम? राशि मोदी। इस नाम की तो यहाँ कोई पेशेंट नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं आई? अरे कल मैं खुद आई थी उसके साथ एक्सरे निकलवाने के लिए। मैंने कहा ना मैम, इस नाम की यहाँ पे कोई पेशेंट नहीं आई। ये पर आपसे कहा ना मैम, इस नाम की यहाँ पे कोई पेशेंट नहीं आई। अरे मैम ये और भी लो, अब रिपोर्ट दो। मुझे लगता है सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। क्यों? हाँ ऐसे कैसे? पैसे तो दिए हैं तुमको। किस बात का पैसा? अब सबके सब मिले हुए हो। क्या है डॉक्टर? क्या कहा था आप लोगों ने? राशि जब दर्द के मारे परेशान हो रही थी हम यहाँ लेकर आए, तो आपने सबसे पहले कहा कि इसके गुर्दे में पथरी है, लेजर के इलाज से ठीक हो जाएगा। फिर अचानक कहा कि अपेंडिक्स से ऑपरेशन किया, और अब आप कह रहे थे कि पेट में गांठ है। झूठ, धोखेबाज है आप लोग। लोग डॉक्टर को ईश्वर का दर्जा देते हैं क्योंकि डॉक्टर उनके दर्द दूर करते हैं, लेकिन आप ये क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? हम हवा में बात नहीं कर रहे डॉक्टर मेहता, हमारे पास सबूत है। ये देखिए, और अब बताइए झूठ बोला था कि नहीं आपने हमसे? अब है कौन? आप हमें नहीं पहचानते? हमारी बहू राशि का ऑपरेशन आप ही ने किया था ना, झूठ मूठ का ऑपरेशन, और अब आप कह रहे हैं कि आप हमें पहचानते नहीं? नहीं पहचानते, और हमने आपके बहू का कोई ऑपरेशन नहीं किया। शर्म नहीं आती आप लोगों को इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? राशि की जान खतरे में डाली आपने, और आप कह रही हैं कि आप राशि को नहीं जानते, आपने ऑपरेशन नहीं किया, हमें नहीं पहचानती? ये क्या बात हुई? अब हम आपको नहीं जानते तो नहीं जानते, और ये क्या जबरदस्ती है कि अब हमें ये भी कहना पड़ेगा कि हम आपको पहचानते हैं? अच्छा तो वो राशि की रिपोर्ट कहाँ है जो हमने आपको दी थी? कैसी रिपोर्ट? कहाँ है रिपोर्ट? जब हमारे हॉस्पिटल में कोई राशि मोदी नाम की पेशेंट आई नहीं, तो उसकी रिपोर्ट कहां से होगी? नर्स, आप तो हमें पहचानते हैं ना? सॉरी, मैं तो आपको पहली बार देख रही हूं। सुन लिया आपने? हो गई आपको तसल्ली? एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ किसी राशि मोदी का ऑपरेशन नहीं हुआ, और वैसे यही अच्छा होगा कि मेहरबानी करके आप लोग यहाँ से चले जाएं। हमें अभी बहुत काम निपटाना है, और हाँ एक बात और, फिर कभी ऐसा झूठा आरोप लेकर यहाँ मत आइएगा। और हाँ, हमारे जो दूसरे पेशेंट हैं उसे भी आप डरा रही हैं, और वैसे भी कल हम एक मेडिकल फंक्शन होस्ट करने जा रहे हैं, हमें उसकी भी तैयारी करनी है। ये फिजूल की बातें के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अरे वाह जी वाह, एक तो चोरी ऊपर से हेरा फेरी, हमारी बहू राशि की जिंदगी जोखिम में डाल दी, और अब आप कह रहे हैं कि आपके पास फिजूल का समय नहीं है। हम जानते थे कि आप अपने किए धरे पर पर्दा ही डालेंगे, पर फिर भी दिल के एक कोने में ये उम्मीद थी कि शायद आप लोगों में इंसानियत हो, और आप अपनी गलती अपना अपराध कबूल कर लें। लेकिन नहीं, छी, आपको तो डॉक्टर कहते हुए भी शर्म आती है। पर याद रखिएगा, छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं आप सब लोग ये क्या बोले जा रहे हैं। बस डॉक्टर बहुत हो गया, हम सिर्फ इतना चाहते हैं
कि जो गलती आपने की है उसे अच्छे से कबूल कीजिए, समझ गए? हाँ मोटा भाभी, उन डॉक्टर्स ने हमें पहचाना तक नहीं, साफ साफ मुकर गए वो लोग। पर कोकिला, क्या हम लोगों के पास कोई सबूत नहीं? राशि बेन, कोकिला तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, जिगर है उसके पास। उर्मिला बेन, आप डॉक्टर मेहता के हॉस्पिटल गई थी वो एक्सरे का रिपोर्ट लेने के लिए, क्या हुआ उसका? ना बोटी बेन, उन दुष्टों ने सारे सबूत मिटा डाले। अरे यही नहीं, मेरी राशि का नाम भी रजिस्टर में से निकाल दिया उन्होंने। बड़े बदमाश है ये लोग, मैं तो बोलती हूँ उनके अस्पताल पर धरना देना चाहिए हमें। उससे क्या होगा उर्मिला बहन, जरा मैं भी तो जानू। वैसे कोकिला, उर्मिला बहन का सुझाव गलत नहीं है, हम इतनी आसानी से तो उन्हें नहीं छोड़ सकते। बराबर मोटी बहन, मैं तो बोलती हूँ मीडिया वालों को बुला लो, इंटरव्यू मैं संभाल लूंगी। हाँ उर्मिला बहन, बात वही घूम फिर कर आ जा रही है, हमारे पास उन चालाक डॉक्टर्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और यही बात वो डॉक्टर्स मीडिया वालों के सामने कहेंगे। आपको तो मेरा कोई भी आइडिया नहीं चलता, सब समझती हूँ। मेरी राशि दिक्री का मामला है ना, अगर गोपी का होता बस। गलत कह रही हैं आप उर्मिला बहन, मैं समझ सकती हूँ कि आप राशि की माँ हैं इसलिए परेशान हो रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें हमारी बहु राशि की कोई फिक्र नहीं है। पा मोटा भाई, मोटा भाभी, अहम के पापा, हम सब बैठकर रास्ता ढूंढने की ही कोशिश कर रहे हैं। वो दोनों डॉक्टर्स चालाक हैं, भावावेश में उठाया हुआ कोई भी कदम उल्टा पड़ सकता है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। थैंक यू सो मच। हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो उकसा जाए, सच बोलने पर मजबूर हो जाए। बिल्कुल ठीक सोच रही है मामा, अगर ऐसा हो जाए तो हमारा केस काफी मजबूत हो जाएगा। मॉम, मैंने डॉक्टर दोषी को फोन करके रिक्वेस्ट की है कि डॉक्टर मेहता के बारे में जितनी जानकारी निकाल सकते हैं निकाल कर सब हमें दें, और वैसे डॉक्टर मेहता ने काम पहली बार नहीं, इससे पहले भी मरीजों को बहुत बार बेवकूफ बनाया। मतलब घड़ियाल छोड़ दी पेट में? नहीं, पर हाँ बिना किसी के उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, और सुना उन्होंने बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही किया है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि उन मरीजों ने इन डॉक्टर के खिलाफ कोई आवाज, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। हाँ मॉम, हम चुप नहीं रहेंगे, हम अपनी आवाज जरूर उठाएंगे, पर पूरी सावधानी और होशियारी के साथ, हमारी जरा सी भी चूक और उनका हमें फिर से मुंह तोड़ जवाब देना हो जाए। मैं तो बोलू छू, हम लोगों को भाड़े पे गुंडे बदमाश बुला लेने चाहिए, वही निपटेंगे इन दुष्ट से। अरे मारू मन चले ने तो मैं तो उन दोनों के पेट में चाकू घुसेड़ दूं और उसमें घड़ियाल छोड़ दूं, अने ये पण बेत्रण। उर्मिला बहन, उर्मिला बहन, आप माँ हैं और अपनी बेटी के लिए परेशान है, ये बात हम समझ सकते हैं। हाँ काकी जी, पर हम कुछ ऐसा तो कर ही सकते हैं जो उन्हें उत्तेजित करे, उन्हें उकसाए और वो अपनी गलतियां मान ले, उस पे पछतावा करे, और वो भी बिना हिंसा के, कोई गुंडागर्दी नहीं। गोपी दिकरा, गुंडे लोग गुंडागर्दी की भाषा ही समझते हैं, सराफत से कुछ नहीं होने वाला। अरे बेवार मारी दीकरी नो ऑपरेशन थयू उन राक्षसों के कारण, कुछ तो करना ही पड़ेगा। उर्मिला बेन,
धैर्य रखिए, इसीलिए तो हम सब कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की सोच रहे हैं ना। अरे कब से आप लोग सोचे ही जा रहे हो, आप लोग यहाँ पे सोचो, मैं जा रही हूँ अपनी दीकरी के पास। जी, क्या हम उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं जो पहले कभी इन्हीं डॉक्टरों के लालच और गलतियों के शिकार हो चुके हैं? मेरा मतलब, अगर हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ जाते हैं तो शायद ये दो डॉक्टर अपनी गलतियां मानने पर मजबूर हो जाए। पर अब हमें ये सोचना होगा, ये सब संभव कैसे होगा, क्योंकि उन चालाक डॉक्टर्स ने कानून को अंगूठा दिखाया है, लेकिन अब हम उन्हें किसी और मरीज के साथ ऐसा कतई नहीं करने देंगे जो उन्होंने राशि के साथ किया है। माँ जी, क्यों ना हम